अगर 5 बजे बाद यानी कल के बाद फिर भी कोई कंटिन्यू रहता है प्रोटेस्ट या डॉक्टर काम पर नहीं लौटते हैं तो फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है इट इज फ्री टू टेक एनी डिसिप्लिनरी एक्शन। जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, जो सीसीटीवी फुटेज रहे, इन सबके नाम अब्सेंट है, इन पे भी सवाल रहा कि किसने किया, क्यों साइनिंग नहीं है, वो नहीं है, टाइमिंग नहीं है। डॉक्टर का साइन होता है जो पोस्टमार्टम करता है, उसके पहले जो आईओ ऑफिसर रहता है उसका साइन होता है कि वो उसको हैंडओवर किया गया है, तो उसमें सारी टीम के मिसिंग है उसमें जो बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि कल 5 बजे तक डॉक्टर्स अपने काम पर आ जाएं और अगर वे आ जाते हैं तो उनके विरुद्ध कोई एक्शन ना लिया जाए। साथ ही में अगर 5 बजे बाद यानी कल के बाद फिर भी कोई कंटिन्यू रहता है प्रोटेस्ट या डॉक्टर काम पर नहीं लौटते हैं तो फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है इट इज फ्री टू टेक एनी डिसिप्लिनरी एक्शन। दूसरा इम्पोर्टेंट इशू पोस्टमार्टम को लेकर उठाया गया था एक पार्टी द्वारा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो एक मेजर फॉर्म होता है दैट इज नॉट एनेक्स्ड विद द स्टेटस रिपोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि कौन कांस्टेबल या कौन व्यक्ति डेड बॉडी को लेकर गया विक्टिम की को डॉक्टर्स को सौंपा, उसका भी एक क्या जो फैक्ट है वो पूरा सामने आना चाहिए, इसको लेकर एफिडेविट फाइल किया जाएगा। साथ ही में जो डिले को लेकर कंसर्न है तो उस पर भी काफी सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की गई और कई चीजें थी, लेकिन जो एक स्टेटस रिपोर्ट कहा जाए कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुंची है, क्या हुआ है, उसके बारे में आज कुछ ऐसा महत्वपूर्ण नहीं आया और अगली डेट पे आने की संभावना हो सकती है। सीबीआई की तरफ से जो है आज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पहला तो एक एप्लीकेशन ये किया गया था कि जो सीआईएसएफ की तीनों कंपनियों को वहां पे सुरक्षा के लिए लगाया गया है उसके द्वारा स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से कोई भी अकोमोडेशन या कोई भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स जो है उनको प्रोवाइड नहीं किए गए थे, उस पर सॉलिसिटर जनरल ने सवाल उठाया जिस पे जो है सीजीआई ने आज शाम तक तीनों कंपनियों को जो है हर तरीके से अकोमोडेशन और नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए जो भी गैजेट्स हैं, जो भी सुरक्षा डिवाइसेज हैं, उन सबको प्रोवाइड करने करा। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा जो अहम सवाल ये भी रहा जो पहले दिन से ही चल रहा है कि पोस्टमार्टम जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट एफएसएल और ये एफआईआर जो इसमें जो डिस्क्रिपेंसी है, जो डिले है, जिस सारी चीजों का, उन सब चीजों पे भी सवाल आज वापस उठा है जिस पे सीबीआई को भी जो है जो सीबीआई ने एफएसएल रिपोर्ट और ये सारी चीजों को सीबीआई ने वापस एम्स को और अदर इंस्टीट्यूशंस को री एग्जामिनेशन के लिए वापस भेजा है और साथ ही साथ सीबीआई को सीजीआई ने और डायरेक्ट किया है कि वो एक फ्रेश रिपोर्ट फाइल करे बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग और साथ ही साथ वो इन्वेस्टिगेशन को अपने हिसाब से जारी रखे। वेडनेसडे जी देखिए नेक्स्ट डेट पे तो सबसे पहले जो है क्या बोलते हैं सीबीआई जो फ्रेश रिपोर्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसपे ओपन हियरिंग बार बार जो है ओपन हियरिंग पे बहुत सारे रिमार्क्स देने पे स्टेटमेंट लेने पे सीजीआई से सीजीआई स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल या मिस्टर सोलिसिटर सारे ही लोग, क्योंकि ये क्लोज रिपोर्ट है, थोड़ा सा सेंसिटिव मामला है, तो उन सारी चीजों पे खुली चर्चा न होकर के जो है सिम्बोलिक हो रहा है कि किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि ये जो है एक रेप का मामला है तो इसको ओपन तरीके से जो है आर्ग्यू करना या ओपन तरीके से हर एक छोटी छोटी चीजों को वैसे पॉइंट आउट किया जा रहा है मिस्टर मेहता द्वारा किया जा रहा है, मिस्टर सिब्बल द्वारा, मिस्टर और सीजीआई द्वारा, बट क्योंकि ये क्लोज रिपोर्ट है तो उस चीजों को भी ध्यान में रखा जा रहा है किसी भी तरीके का ऐसी कोई चीज बाहर ना आए कि जो इन्वेस्टिगेशन या बाकी चीजों को जो है प्रभावित करे। टाइमिंग को लेकर भी पोस्टमार्टम के लेकर भी कोर्ट ने कुछ कहा है, क्योंकि टाइमिंग में डिफरेंस बताया जा रहा है। जी टाइम इसीलिए मैं इसी चीज पे मैं आपको कह रहा था कि पहले दिन से ही सवाल बार बार किया जा रहा है कि सीजर रिपोर्ट, और आज सबसे बड़ा ये भी सवाल रहा है कि जिन्होंने सीजर रिपोर्ट किया, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, जो सीसीटीवी फुटेज रहे, इन सबके नाम अब्सेंट है, इन पे भी सवाल रहा कि किसने किया, क्योंकि एज पर प्रोसीजर जो भी होता है इन सब सारे लोगों का नाम मेंशन होता है कि किस ऑफिसर ने किया, किस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया, किस डॉक्टर किसने एफएसएल रिपोर्ट ली, तो ये सारी चीजों पे भी आज जो है सवाल रहे हैं और बिफोर द नेक्स्ट ऑफ हियरिंग जो है ये सारे जो है सीबीआई एक फ्रेश रिपोर्ट फाइल करेगी, मीनवाइल स्टेट ऑफ बंगाल को भी अगर अपना कोई फाइल करना होगा तो करेंगे। पोस्टमार्टम करने से पहले ऑफिसर का साइन होता है कि पोस्टमार्टम जब जाती है कि उसमें लिखा रहता है कितना टाइम पे गया, कितना बजे कौन किया, उसके बाद करने के बाद उसका साइनिंग होता है, वो चलानी मिसिंग है अभी, तो वो चलानी सबमिट नहीं किया गया, सीबीआई को हैंडओवर नहीं किया गया। आप और डिटेल में बता सकते हैं कि आपने जो सवाल उठाया कंसर्न था कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताया क्या क्या सवाल आपने सुप्रीम कोर्ट में आज उठाया पोस्टमार्टम के रिगार्ड? पोस्टमार्टम में जो मिसिंग है वही हम लोगों ने सवाल उठाया, हमारे जो काउंसिल है कोर्ट ने क्या कहा आपके सवालों के बाद? उसमें नोटिंग किया गया नेक्स्ट डेट में चलान उनको हैंडओवर करने के कहा गया है, अगर है नहीं है तो उसमें नेक्स्ट वीक में जो हियरिंग होगी उसमें वो पता चलेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आपके सवाल के बाद एक चीज को देखा कि चलान जो था जो कि डेड बॉडी को पोस्टमार्टम में हैंडल करने के टाइम में मिसिंग था, इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिमार्क्स भी दिया, रिमार्क्स दिए हैं, क्या रिमार्क्स वो? रिमार्क्स तो ऐसे कुछ नहीं है, उनपे नोटिंग करने का जो हम लोग ने हाईलाइट किए थे वही है, पॉइंट साइनिंग नहीं है, वो नहीं है, टाइमिंग नहीं है, डॉक्टर का साइन होता है जो पोस्टमार्टम करता है, उसके पहले जो आईओ ऑफिसर रहता है उसका साइन होता है कि वो उसको हैंडओवर किया गया है, तो उसमें सारी टीम के मिसिंग है उसमें जो बता रहे हैं। चलो।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.